78 साल हो गए आजादी के, और 78 साल के बाद माँ की कृपा जमुई जिला में ऐसा हुआ कि एक माँ के अवतार के रूप में ऐसे जिला अधिकारी आई कि जो महिला हैं। शायद आपको पता होना चाहिए कि दर्शकों, हमारे तमाम चाहने वाले को, साथ ही साथ जिले वासियों को और अभिलाषा जो जिलाधिकारी हैं, अभिलाषा शर्मा, पुलिस कप्तान समेत तमाम अधिकारियों को हमारी टीम की तरफ से नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। जैसे कि आप जानते हैं, कल जिले में डीएम अभिलाषा शर्मा की अध्यक्षता में एक शांति समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें जिले के कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाया गया था। इसलिए बुलाया गया था कि दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए। इसमें जमुई का जाना माना चेहरा, जिला का जाना माना चेहरा डॉक्टर एम एस प्रभात भी गए थे। हालांकि इनका जन्म मुस्लिम गोत्र में हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ मुस्लिम है। मैं सिर्फ मुस्लिम इसलिए कह रहा हूं कि इनका एक धर्म है, वह है मानवता। पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन अगर एक मांझी समुदाय का भी व्यक्ति आ जाता है ना, तो ये मांझी बन जाते हैं। संथाल आ जाता है तो ये संथाल बन जाते हैं। हिंदू आता है हिंदू बन जाते हैं। कहने का मतलब, मानवता जिस इंसान के शरीर में नहीं है वो तो मृत है, वो एक तरह से लाश के समान है। हमारे साथ डॉक्टर एम एस प्रभात भी जुड़ेंगे। मैं जानना चाहूंगा क्या कुछ बातें हुई। वैसे भी नवरात्रि का पर्व है, दुर्गा पूजा का पर्व है, अभी पवित्रता का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। ऐसे में तमाम लोग सतर्क रहें, स्वच्छ रहें और पवित्र रहें। और एक और अपील करना चाहेंगे कि चोर उचक्के भी आपके माल पर हाथ साफ कर सकता है, इसलिए अपने मोबाइल, अपने वैलेट, अपना पर्स, अपनी ज्वेलरी पर विशेष ध्यान रखें और भीड़ भाड़ में सतर्क रहें। सब जगह पुलिस ही रहेगी, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार में वैसे भी पुलिस बल की संख्या बहुत कम है। ऐसे में हम लोगों को भी सतर्क होने की बहुत जरूरत है। हमारे साथ डॉक्टर प्रभात जुड़ेंगे। क्या कुछ बातें हुई, मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा। बने रहिएगा हमारे साथ, कहीं जाइएगा नहीं। प्रभात, क्या कुछ बातें हुई कल डीएम साहिबा से? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को नवरात्रा की शुभकामनाएं, हमारे दर्शकों को भी डॉक्टर साहब, और दर्शकों की को खासकर शुभकामनाएं। मैं अभी बताता ही आपको। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि माँ की कृपा है कि 78 साल हो गए आज़ादी के, और 78 साल के बाद माँ की कृपा जमुई जिला में ऐसा हुआ कि एक माँ के अवतार के रूप में ऐसे जिला अधिकारी आई कि जो महिला हैं। शायद आपको पता होना चाहिए कि मुझे ख्याल नहीं है कि सन 1947 के बाद आज़ादी के 78-77 साल हो गए, मगर कोई महिला डीएम नहीं आई। ये पहला डीएम जो महिला आई हैं, और इतनी सख्त है। मैं दिल की गहराइयों से और उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और खासकर उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। रही बात एसपी साहब का, तो मुझे ये गर्व है कि अभी खासकर जिले में जितने भी बड़े अफसर आए हैं, और जो भी अफसर हैं, लाजवाब हैं, और दिल की गहराइयों से उनको हम मुबारकबाद देते हैं। तो आपको ऐसा लगा कि वो डायरेक्ट आईपीएस हैं, युवा हैं, स्मार्ट हैं, जिस तरह से वो तमाम थाने का निरीक्षण कर रहे हैं, तो क्या कुछ लगता है, अपराध पर कंट्रोल होगा या फिर कितनी सतर्कता रहेगी? देखिए, ये तो बात तय है कि वैसे लोगों से 36 की आंकड़ा है उनकी, और इतनी जिला में इतने बड़े ये पद चलाने के बावजूद भी अगर मुस्कुराहट हो, और तमाम ही पुलिस अफसरान जितने भी थे सबके चेहरे पे एक हंसी थी। और जाहिर बात है कि अगर कप्तान अगर मजबूत है, और कप्तान अगर काफी मजबूत है, तो लोग काफी अच्छा काम करते हैं। तो अभी जितने भी हैं, जैसे झाझा डीएसपी हो गए, और टाउन डीएसपी हो गए, और जितने थाना प्रभारी हो गए, सभी लोग लगभग मौजूद थे, और उनकी पुलिस कप्तान भी मौजूद थे। और बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने जो भी शब्द कहा वो गिने चुने शब्दों में था, और मगर लाजवाब था। खासकर उन्होंने डीजे पर बोला कि डीजे बंद होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे उनकी खास निगाह है, जो मैं आप सबको बता दे रहा हूँ, और आप से विनती पूर्वक आग्रह है कि सभी जनता मिलकर एक उल्लास, मैंने इच्छी अच्छी तरह से एक उल्लास के साथ अपनी त्यौहार को मनाएं,
और आपसी भाईचारा बनाए रखें, ये उनका और जिला अधिकारी महोदया का भी ये था। सोशल मीडिया की आपने बात की, सोशल मीडिया पे क्या किसी तरह का कोई अफवाह नहीं फैलाने की बात कही या फिर कोई अनर्गल बातें नहीं कहने की कहने के लिए कहा गया? इस बार इतना सक्रिय हैं, चूंकि मैं आपको बता दूं कि पुलिस कैप्टन और हमारे अभिभावक गार्जियन डीएम साहबा सभी लोग इतने सक्रिय हैं, एसडीओ साहब एसडीएम साहब काफी सक्रिय हैं ये लोग, और इतनी सक्रिय हैं कि सिविल में लोग होंगे इस बार। इस बार मेले में सिविल में लोग होंगे, सीआईडी वाले का भी रोल रहेगा तो उसमें स्पेशल ब्रांच का भी रोल है और काफी मतलब ये पर है। इस बार पहली मर्तबा मैंने देखा है कि शहर के काफी बुद्धिजीवियों को बुलाकर उनसे एक अपनी शेयर करना कि हम क्या कर रहे हैं, आप कैसे करेंगे। खासकर उन्होंने ये बताया कि माँ की जब प्रतिमा जाती है तो आंख नम करके विदाई देनी चाहिए। मैं भी करता हूँ कि आंख नम हो जाती है कि माँ को देखते हैं जब जाते हुए विदा करते हुए, मगर उस समय एक ऐसी गाना बजती है, कुछ लोग हैं ऐसे नौजवान कि जो अश्लील गाना पर, तो इस पर भी बैंड लगा दी गई है। और खासकर मैं आप सबको बता दूं कि मेरे जिला अधिकारी महोदय, आरक्षी अधीक्षक महोदय और एसडीएम महोदय और सभी भी प्रशासनिक पदाधिकारी चुस्त दुरुस्त हैं इस बार। थैंक यू। दोस्तों इस प्रकार डॉक्टर परवाज ने कहा कि माँ की पूजा हो रही है और माँ स्वरूपा अभिलाषा शर्मा जमुई की प्रथम महिला जिलाधिकारी बनी। अब महिला जिलाधिकारी बनने का मतलब है कि माँ और महिला का सम्मान हमारे सनातन में सदियों सदियों से होता है। जिस प्रकार से अभिलाषा शर्मा से अभी हमारी गुफ्तगू डायरेक्ट नहीं हुई, बहुत जल्द हमारे चैनल पर उनका आप इंटरव्यू देखेंगे, ऐसा मेरा प्रयास होगा। अब क्या कुछ बातें होंगी ये अभी हम जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल सीआईडी वाले लोग, स्पेशल ब्रांच वाले लोग भी सिविल ड्रेस में रहेंगे, इस बात की सख्त हिदायत दी गई। अब पुलिस प्रशासन पूरी तरह चुप रहेगा और किसी भी प्रकार के अफवाह पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। कोई भी छेड़खानी का काम करता है या गलत हरकत करता है तो पुलिस उसको चंद मिनटों में दबोच लेगी और फिर उसका दशहरा जेल में ही बीतेगा। देखिएगा बहुत ही हमारी खास रिपोर्ट। और हाँ, महंगाई जरूर बढ़ी है लेकिन डाटा बहुत फ्री है। हमारी खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए और मुझे भी इस दशहरे में थोड़ा थोड़ा प्यार की सख्त जरूरत होगी। देखिएगा हमारी बहुत ही खास मुलाकात डॉक्टर एम एस परवाज के साथ और मैडम ने क्या कुछ कहा वह भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू। तकरीबन 1000 आदमी औरतों के साथ में महिलाएं होती हमारी, जो तकरीबन 2-3 किलोमीटर जाती है अपना जो क्या करते हैं उनको जो जूस निकलते हैं जो वो लेकर के जाते हैं कलर जो तो सर वो बाजार अंदर में जाते हैं उनका रास्ता बहुत कभी खराब है, गड्ढा गुड्ढी है, पानी है, दुर्गम माँ का मतलब जो विसर्जन भी उसी रास्ते से गुजरेंगे। तो इन पर मैं चाहेंगे कि प्रखंड पदाधिकारी महोदय और जिला पदाधिकारी से मैं रिक्वेस्ट करेंगे कि समय रहते हुए तो इसलिए रख लीजिए कि शांति समिति